अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सरदनान। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर टू का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि है व्हाट इज़ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर हाउ इज़ इट यूज्ड टू अस्टैब्लिश द पीएच ऑफ वाटर पानी की पीएच को बनाने के लिए ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैसे इस्तेमाल की जाती है इसका जवाब पेज नंबर थर्टी टू एंड थर्टी थ्री पर है स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज थर्टी टू पर हेडिंग लिखी हुई है पी एच स्केल उसकी जगह आपने हेडिंग लिखनी है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस फॉर द पी एच स्केल हाइड्रोजन के आयन की जो मकदार है हालिश पानी में वो पी एच स्केल के लिए एक बुनियाद फ्राहम करती है वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली इन टू आयंस इन ए प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये बहुत कम अपने आयन्स में टूटता है जिसको हम ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं जैसे कि आपके सामने इक्वेशन में एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें पानी अपने आयंस हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में टूटता है इसके लिए इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन जैसे कि आपको लाफ मैसेक्शन में बताया गया जा चुका है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखी जाती है एज ए न्यूमरेटर और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन एज ए डिनोमिनेटर लिखी जाती है तो वैल्यू ऑफ़ के सी शुड बी हाइड्रोजन एन कंसनट्रेशन इन टू हाइड्रोक्साइड एन कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा पानी अपने आयंस में बहुत कम टूटता है तो पानी की कंसनट्रेशन तकरीबन मुस्तकिल रहती है द अबॉव इक्वेशन और कैन बी रिटर्न एज तो ऊपर वाली इक्वेशन में एस टू ओ जो कि एक कांस्टेंट है उसको हम इस के सी के साथ भी लिख सकते हैं जैसे कि इक्वेशन में लिखा गया है इस तरह के सी भी कॉन्सटेंट है और वाटर भी कॉन्सटेंट है, दोनों एक तरफ आ गए हैं अ न्यू इक्लेबरियम कांस्टेंट नोन एज आइनिक प्रोडक्ट कंस्टेंट ऑफ वाटर एक नया इक्लेबरियम कांस्टेंट जिसको हम पानी के आंस का प्रोडक्ट कहते हैं जिसको के डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं इसको भी के सी और एच टू ओ की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है KC and water, जो के सी एंड वाटर जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू रखते हैं उनकी जगह के डब्ल्यू लिख दिया गया है जो कि एग्जैक्टली इक्वल है हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आन की कंसनट्रेशन के जिसकी नूमेरिकल में वैल्यू हमें मिलती है वन पॉइंट जीरो इंटू टेन की पावर माइनस फोटीन ऐट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड रूम का टेम्परेचर होता है एस वी नो जैसा कि हम जानते हैं वन मालिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोजन आयन एंड वन हाइड्रोक्साइड आयन इट्स डिसोसिएशन जब एक हाइड पानी का मालिक्यूल टूटता है तो वो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है इसलिए हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन के बराबर होगी तो इस तरह के डब्ल्यू के अंदर जब हम ओ एच की जगह हाइड्रोजन भी दोबारा लिख सकते हैं जो सम करके हाइड्रोजन आयन के स्केट के तौर पर आ जाएगा विच इज़ आल्सो इक्वल टू वन पॉइंट जीरो इंटू टेन की पावर माइनस फोटीन जब इन दोनों वैल्यूज़ का हम अंडर रूट लेते हैं तो इसका स्केयर उसके अंडर रूट से कट जाता है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन अकेला रह जाता है जबकि इसका अंडर स्केयर रूट लेने से इसकी वैल्यू 1.0 पॉइंट की पावर माइनस सेवन मोलर आ जाती है एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड नेक्स्ट ऑन पेज नंबर थर्टी थ्री आपको ऊपर वाली जो लाइनें कट नजर आ रही हैं ये कट ही रखनी है और आपने नमेरिकल पोर्शन से शुरू करना है जैसे कि हम जानते हैं पी एच का फार्मूला आपके सामने है विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इस फार्मूले में हम हाइड्रोजन की जो वैल्यू यहाँ पर आई थी उस वैल्यू को पुट आप करते हैं और कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो हमारा आंसर सेवन आता है जैसे कि मैंने पहले कहा जितने हाइड्रोजन आयन बनते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन्स बनते हैं तो इसलिए पी ओ एच पी आप निकालना चाहें तो हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू भी वही लिखेंगे द आंसर शुड बी द सेम विच इज़ सेवन पी एच वैल्यू नॉर्मली ज़ीरो से लेके फोर्टीन के, के दरमियान होती है देयरफॉर पी एच और पी एच को जब हम प्लस करते हैं तो द आंसर इज़ फोर्टीन सो द समय डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक ला है उसके बाद आपने ये भी कट कर देना है लास्ट लाइन लिखनी है ए सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड ऑफ पी एच सेवन ऐसा सोल्यूशन किसी भी मरकब का जिसकी पी एच सेवन या पी ओ एच सेवन आए इस कंसिडर्ड एज न्यूट्रल सोलूशन उसे न्यूट्रल सोलूशन समझा जाता है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो इस्तेमाल की जाती है पानी की पीएच को स्टैब्लिश करने के लिए या जानने के लिए स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपनी कापियों पर लिखना है और इसे अच्छी तरह लर्न करना है थैंक यू वेरी मच